नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फार्मा इजी स्टडी में। आज हम कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड यूनिट का इम्यून टेस्ट टॉपिक। तो देखते हैं इम्यून टेस्ट होता क्या है। द टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट द ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया। एंट्रिक बैक्टीरिया क्या होता है? एंट्रिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो उसके सेल के अंदर पाए जाते हैं, ऑफ द फैमिली इंटर बैक्टीरिया लाइक एट एस्केरिसिया कोलाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एंट्रिक बैक्टीरिया उसमें जो आते हैं उसकी हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन चेक करते हैं। तो इम्यून मीन्स होता क्या है, आई फॉर इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट में आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडोल फ्रॉम दी ट्रिप्टोफेन। ये एक ट्रिप्टोफेन को जब हम एक एंजाइम ट्रिप्टोफेनेस से रिएक्शन कराएंगे तो उस पर हमारा इंडोल फॉर्म करेगा। एम से मेथिलेट टेस्ट होता है, इसमें एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज से एसिड का प्रोडक्शन होता है। और जो हमारा वी आई मीन्स वो प्रास्क्यूर टेस्ट होता है, वो प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन फ्रॉम द ग्लूकोज एंड सी फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन, यूज ऑफ सिट्रेट एज कार्बन सोर्स। आपने टीसीए साइकिल में सिट्रेट पढ़ा होगा, वहां से हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वहां से निकल जाता है, वहीं से ये कार्बन हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिट्रेट यूटिलाइजेशन होता है। और जहाँ पे सिट्रेट यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कार्बन मॉलिक्यूल होगा वो हमारा वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये देख लेते हैं इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट होता क्या है। डियर आर सम ऑफ एंट्रिक बैक्टीरिया लाइक है जिसके जैसे कोराई प्रोड्यूस इंडोल, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। मतलब जो हमारा इंडोल होता है वो नाइट्रोजन कंटेन किया होता है ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन, मतलब ट्रिप्टोफेन के हाइड्रोलिसिस के दौरान। ट्रिप्टोफेन इज एन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफेन आप पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में कि हमारा एक एसेंशियल एमाइनो एसिड होता है, व्हिच इज ऑक्सीडाइज बाय सम बैक्टीरिया, जो कि कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोनेज टू फॉर्म इंडोल पाइरुविक एसिड एंड अमोनिया। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन में ट्रिप्टोफेन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफेनेज टू फॉर्म इंडोल एंड पाइरुविक एसिड एंड एमाइनो एसिड, सॉरी मतलब अमोनियम। व्हेन इंडोल रिएक्ट विथ क्वार्क्स रिएजेंट, क्वार्क्स रिएजेंट क्या होता है, ये हमारा पैरा डाइमेथाइल एमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है, डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडोल बैक्टीरियम और रेजिनोल, मतलब रोज इंडोल, इंडोल प्लस क्वार्क रिएजेंट टू फॉर्म रोज इंडोल एंड वाटर। अब क्वार्क रिएजेंट पैरा डाइमेथाइल एमाइनो बेंजाल्डिहाइड। अब देखते हैं इसमें ही कौन सा मीडियम यूज होता है। ट्रिप्टोन बोथ 1%, मतलब ट्रिप्टोन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1% का बनेगा। रिएजेंट कौन सा यूज होगा, कोवाक्स रिएजेंट यूज होगा। प्रोसीजर इसका क्या है, प्रिपेयर 1% ट्रिप्टोन एंड डिस्पेंस इन 5 ml ऑफ स्टेराइल ट्यूब। स्टेराइल ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, बस उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऊपर से कवर में ढक्कन लगा होता है। दूसरा क्या है, इनोकुलेट द बोट ट्यूब विद द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको टेस्ट करने के लिए इनोकुलेट कर देंगे बोट ट्यूब के। इनोकुलेट द ट्यूब्स एट 34 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 to 48 hours, मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 से 48 घंटे के लिए उस ट्यूब को रख देंगे गर्म होने के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन एट 0.5 to 1 ml ऑफ कोवाक्स रेजेंट टू ईच ट्यूब्स, मतलब यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं तो एक हमारा स्टैंडर्ड होगा, एक हमारा टेस्ट ट्यूब होगा, उसी से हम कंपेयर करेंगे। दोनों में हम 0.5 to 1 ml तक कोवाक्स रिएजेंट ऐड कर देंगे। शेक द ट्यूब जेंटली फॉर 10 to 15 minutes एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर रिएजेंट कम्स एट द टॉप, मतलब उसको शेक करेंगे जेंटली 10 to 15 minutes एंड उसको अलाउ कर देंगे, एक जगह पर रख देंगे जिससे कि जो उसका रिएजेंट है वो हमारे ऊपरी परत पे आ जाए। एग्जामाइन डिक्लेयर इन द रिएजेंट लेयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, आफ्टर 2 minutes एक चेरी रेड और डार्क रेड कलर हैंड अपीयर्स, मतलब जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा, अगर हमारा रेड चेरी कलर आया तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा वहाँ पे येलो कलर आया तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट नेगेटिव में चला गया।
दूसरा हमारा है, दूसरा और तीसरा हम दोनों साथ में देखेंगे क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है, मेथिलीन एंड वॉक्स प्रेस्क्योर टेस्ट, बोथ टेस्ट आर सिमिलर टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने में एकदम सिमिलर है। दिस टेस्ट मेनली डिफरेंशिएट टू मेजर टाइप्स ऑफ फैकुलेटिव एनएरोबिक एंट्रिक बैक्टीरिया, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, अपोजिट रिजल्ट आर यूजली ऑब्टेंड बाय द टेस्ट ट्यूब, मतलब लाइक एज व्हेन मेथिलीन इज पॉजिटिव देन वॉक्स प्रेक्यूसर टेस्ट इज नेगेटिव, एंड व्हेन वॉक्स प्रेक्यूसर टेस्ट इज पॉजिटिव देन मेथिलीन टेस्ट विल बी नेगेटिव। इन दिस टेस्ट इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंशियली क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, द मीडियम विल रिमेन रेड when add the methyl red indicate the positive test, जो कि मैं बता चुका हूँ। On the second term, if the medium will remain yellow, अगर second term में हमारा yellow रह जाता है, when adding of methyl red indicate non-acidic end products like an ethanol and acetone, तो ये हमारा result क्या हो जाएगा? Negative test हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं reagent कौन-कौन सा use करते हैं। एक हमारा आता है बैरिक्स रिएजेंट और एक आता है वीपी मींस वॉक्स प्रोड्यूसर फर्स्ट एंड वॉक प्रोड्यूसर सेकंड। जो वॉक प्रोड्यूसर फर्स्ट रिएजेंट बनेगा हमारा 5% ऑफ अल्फा नेप्थॉल इन एल्कोहल, और जो हमारा वीपी सेकंड बनेगा 40% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रिपेयर एमआर मींस मेथिल रेड, VP means works prepared both and dispense in 5 ml amount in sterile tube making 2 set, मतलब 2 set उसके तैयार कर लेते हैं। Inoculate the test tube with test organism, मतलब inoculate कर देंगे test tube को, और जो test tube होगा और एक हमारे standard tube होगा, दोनों को inoculate कर देंगे। Inoculate the tube at 35 degree centigrade for 48 hours, मतलब उस ट्यूब को हम 35 degree centigrade पर रख देंगे उसको हल्का गर्म होने के लिए for 48 hours, add 5 drop of methylate indicator in the pH range of 4 तो हमारा समझ लीजिए कि वो हमारा एसिडिक हो जाएगा, to indicate positive result, जो कि हमारा positive result indicate करेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ मेथिल रेड टेस्ट, इन मेथिल रेड टेस्ट मेथिल रेड इंडिकेटर इन द पीएच रेंज अबाउट 4, इफ सो रेड कलर मींस टेस्ट पॉजिटिव एंड इफ सो येलो कलर मींस टेस्ट इज नेगेटिव। अब हम देख ले हैं वॉक्स प्रोड्यूसर का प्रोसीजर क्या है। ऐड सेम 3-4 स्टेप हम सेम ही, मतलब टेस्ट स्टैंडर्ड लगाने के लिए हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने वहाँ पे 5 ड्रॉप लिया था मेथिलेट, यहाँ पर 10 ड्रॉप ऑफ वीपी रेजेंट 1 एंड 2 टू 3 ड्रॉप ऑफ वीपी रेजेंट 2 टू एंड अनदर सेट ऑफ ट्यूब्स, जो हम दूसरे सेट ट्यूब्स के तैयार करेंगे। Gently set tubes for 30 seconds, they remove the caps of exposed media to sterile oxygen, मतलब उसको हम gently set करेंगे और जो हमारा ट्यूब के ऊपर caps लगा होगा उस ढक्कन को हम खोल देंगे जिससे कि जो हमारी बाहर ऑक्सीजन उपस्थित हो उससे वो क्रिया कर सके। Allow the tubes to stand for 15 to 30 minutes to complete the reaction, मतलब जो हमारे ट्यूब होगा उसको स्टैंड कर देंगे एक जगह पे रख देंगे 15 से 30 मिनट के लिए जिससे कि उसमें जो रिएक्शन हो रही है कम्प्लीटली हो जाए। Observe the change in the color for VP test, अब हम जो चेंज हो रहा है उसमें उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इन VP test the development of a pink red color is indicate and indicative of a positive VP test, while no change in color indicate the negative test, मतलब अगर आपके टेस्ट में पिंक रेड कलर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, अगर कोई कलर नहीं हो रहा है कलर एज इट इज बना हुआ है तो इसका मतलब वो टेस्ट हमारा नेगेटिव टेस्ट। तीसरा हमारा है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस टेस्ट इज मेनली यूज टू डिफरेंशिएट अमंग एंट्रिक बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू यूटिलाइज दिस सिट्रेट। हमारा जो पिछला टेस्ट था मेथिल रेड टेस्ट एंड वीपी टेस्ट, वो हमारा बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्धारित करता था बैक्टीरिया के, और ये हमारा बैक्टीरिया की एबिलिटी पर कि वो किस तरह से सिट्रेट को यूटिलाइज कर देता है उस आधार पे हमारा ये
ट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट हुआ है। दिस ट्रेट यूटिलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट डैट ब्रेक डाउन दिस सिट्रेट, मतलब जो सिट्रेट होगा वो सिट्रेट को ब्रेक डाउन करता है दिस सिट्रेट एंड फॉर्म ऑक्जिलो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड द प्रोडक्ट फर्दर कन्वर्टेड एंजाइमेटिक इन पाइरूविक एसिड। रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट टू फॉर्म ऑक्जिलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड एंड व्हेन वी अप्लाई द एंजाइम इट्स कन्वर्टेड इनटू द पाइरूविक एसिड। अब इसमें मीडियम कौन सा यूज करेंगे, सीमोन सिट्रेट अगर मीडियम। प्रोसीजर क्या होगा, प्रिपेयर सीमोन सिट्रेट अगर स्लैंस इनोकुलेट द स्लैंस बाय स्टेपिंग ऑन द बेस। अब स्लैंस क्या होता है, स्लैंस मतलब जो होता है कि ना वो एकदम लिक्विड रहेगा ना एकदम ठोस रहेगा, मतलब आपने अगर भत्ती देखी है बस उसी हिसाब से एक हमारा रिएजेंट मतलब जो प्रिपेयर सीमोन सिट्रेट अगर स्लैंस होगा वो उसी टाइप का होगा, कुछ बालू टाइप का होगा। थर्ड इसका डियर फॉर ब्रेक स्टिक द सरफेस, उसके बाद इस सरफेस को स्टिक कर देंगे इंसुलेट दिस लेंस एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 आवर, मतलब जो लेंस हमारा बनेगा उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 घंटों के लिए हम उसको हीट करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट स्टेबल रीजन, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी एंड चेंज इन कलर, और इसके कलर में चेंजिंग होगी ऑफ द मीडियम फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, मतलब हरे से वो नीला हो जाएगा इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट व्हाइल नो ग्रोथ एंड नो कलर चेंज इंडिकेट नेगेटिव टेस्ट। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आप, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो।